तो सर हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की। मैं बात करता हूं करीबन 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 500 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। वहीं वन डे चार्ट की मैं बात करता हूं, काफ़ी समय से गिरावट दिखाने के बाद स्टॉक ने एक सपोर्ट लगाया। ये सपोर्ट लगाया करीबन 467 रुपीज़ का। इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखना है। अगर इसको भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें टारगेट्स की, यहाँ से अगर तेज़ी बनती है ऊपर की तरफ, जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 525-550 तक के टारगेट्स भी इंडियन बैंक अचीव कर सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इंडियन बैंक शामिल है, कंटिन्यू होल्ड करें। यहाँ पर फ्रेश बाइंग को भी अवॉइड करना है, केवल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाकर चल सकते हैं। जैसे ही बाइंग का मौका बनता है हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी अपनानी है इंडियन बैंक में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।